मेरे प्यारे दर्शकों को देश की सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का नमस्कार। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, लक्षद्वीप से लेह तक, जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय होती है। साथ ही शो में आप और हमारा एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करें देश की बहस माननीय जनता और मेहमानों के साथ। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है पाकिस्तान में मंदिर लगातार क्यों तोड़े जा रहे हैं। इसे 55% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। पाकिस्तान की सत्ता पर चेहरा कोई भी हो, वहां फितरत और करतूत नहीं बदलती। रावलपिंडी में एक सदी पुराने मंदिर में तोड़फोड़ का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कट्टरपंथियों की भीड़ ने मंदिर को पूरी तरह से तोड़ दिया है। कट्टरपंथी इस वजह से मंदिर को तोड़ दिए क्योंकि मंदिर में रहने वालों ने वहां पर अतिक्रमण के खिलाफ शिकायत की थी। उसके बाद कुछ इलाकों में इस मंदिर में मरम्मत का काम भी चल रहा था, लेकिन पाकिस्तान की फितरत आपको मालूम है। पाकिस्तान में किसी का भी शासन हो, अंततः शासन कट्टरपंथी करते हैं। मंदिर को तोड़ दिया गया। एक आंकड़े के अनुसार आजादी के वक्त पाकिस्तान में 428 मंदिर काम कर रहे थे और वहां पर पूजा अर्चना होती थी, लेकिन अब 2021 आते आते वहां पर सिर्फ 20 मंदिर बचे हैं जिनको भी लगातार तोड़ा जा रहा है। ये पत्र मेरे हाथ में है जिसमें इमरान खान गुजारिश कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री से कि आइए सर बातचीत कर लेते हैं। भारत ने पुलवामा के बाद बातचीत से साफ इनकार कर दिया था। एक तरफ इमरान खान बातचीत करने के लिए पत्र लिख रहे हैं, दूसरी तरफ कट्टरपंथी मंदिर तोड़ रहे हैं। क्या ऐसे में बातचीत हो सकती है? इसी पर बहस होगी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं किस तरह से इस मंदिर को तोड़ा गया। ये पाकिस्तान की तालिबानी सोच के ताजा सबूत हैं। ये सबूत है कि इमरान के कट्टरपंथियों जमातियों को हिंदुओं और हिंदुओं की आस्था से कितनी नफरत है। ताजा तस्वीरें पाकिस्तान के रावलपिंडी की हैं, जहां पुराना किला इलाके में एक सदी पुराने हिंदू मंदिर तोड़ धार्मिक भावना को आहत किया गया। कुछ 15 और 10-15 गुंडे मंदिर में घुसे और वहां तोड़फोड़ की। दरअसल 24 मार्च से प्राचीन मंदिर में मरम्मत का काम शुरू हुआ था। इसी बीच रविवार को कट्टरपंथियों की भीड़ ने हमला बोल दिया। मंदिर में तोड़फोड़ के मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई है। रावलपिंडी का जो वाकया हुआ इसमें भी जो है वो अपना इसकी एफआईआर भी हो गई है और लोग गिरफ्तार भी हो गए हैं। इस हमले ने खैबर पख्तूनख्वा में मंदिर में हमले के जख्मों को कुरेद दिया है। पिछले साल दिसंबर में खैबर के कारक इलाके में जमीयत उलेमाए इस्लाम पार्टी के कट्टरपंथी मौलाना के ऑर्डर पर भीड़ मरने मारने पर उतारू हो गई। हिंदुओं की आस्था के बड़े केंद्र को तहस नहस कर दिया गया था। हमने अभी एक पत्र जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को लिखा है, हमने उसकी कॉपी विदेश मंत्रालय को और पाकिस्तान सरकार को लिखी है कि हिंदुओं के ऊपर होने वाले इस जुल्म और दमन को के रोके वो, अन्यथा तो इसके परिणाम बहुत भीषण होंगे। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक खासकर हिंदुओं को सुनियोजित साजिश के तहत निशाना बनाया जाता रहा है। इसका खुलासा अमेरिकी विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट में भी हुआ है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने मानवाधिकारों पर अपनी 2020 की रिपोर्ट में पाकिस्तान में इनके घोर उल्लंघन पर चिंता जताई है। इस रिपोर्ट में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की अवैध और मनमानी हत्याएं भी शामिल हैं। ऑल इंडिया पाकिस्तान हिंदू राइट्स मूवमेंट के एक सर्वे के मुताबिक 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त पाकिस्तान में 428 मंदिर थे, लेकिन पिछले सालों में महज 20 मंदिर ही शेष बचे हैं, जबकि 408 मंदिरों का पाकिस्तान से अस्तित्व खत्म हो चुका है। ये एक समझी सूझी साजिश के तहत ये सब काम होता है कि इतना प्रेशर बना दो समुदाय के ऊपर कि या तो वो मुल्क छोड़ के चला जाए, अगर मुल्क छोड़ के नहीं जा रहा है तो वो कन्वर्ट हो जाए, उनकी तरह बन जाए। पाकिस्तानियों के लिए भारत से वैक्सीन मांगने वाले इमरान खान ने नहीं इस बात की कद्र की कि भारत कोरोना से पाकिस्तानियों की जान बचाने में मदद कर रहा है, ना ही उसने हिंदुओं समेत अल्पसंख्यकों की धार्मिक भावना का सम्मान किया। देश की बहस में चर्चा है कि आखिर पाकिस्तान को दुनिया में इतने दुत्कार मिले, लेकिन हरकतों से अब भी बाज नहीं आ रहा।
और देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान में मंदिर तोड़ने पर इंटरनेशनल एजेंसी को एक्शन लेना चाहिए, वैश्विक एजेंसी को एक्शन लेना चाहिए, यूएन ले सकता है, कई सारे मानवाधिकार आयोग ले सकते हैं। शो के दौरान हाँ या ना में आप अपनी राय भेज सकते हैं। हम शो के अंत में देश की बहस के दर्शकों की राय दिखाएंगे। आप इसके लिए हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे डाउनलोड करना बेहद आसान है, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं और साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में अगर कोई राय है, सुझाव है, आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो आप हमें 9711002266 पर व्हाट्सएप कर दें। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ेगा, थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ेंगे मेजर जनरल जीडी बख्शी, जिनको हम जोड़ने वाले हैं कुछ ही सेकेंड्स में, आरएसएन सिंह साहब, फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर रॉके, और साथ ही साथ एक बहुत बड़े रक्षा जानकार और आंतरिक सुरक्षा के जानकार मेरे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज हैं, नेशनल प्रेसिडेंट है भारतीय हिंदू महासभा के, जिन्होंने लेटर लिखा है यूनाइटेड नेशंस को कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार बंद हो। मेरे साथ डॉक्टर इरशाद अहमद खान हैं, जो लीडर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की पार्टी के, जावेद गफ्फारी साहब है पाकिस्तानी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और साथ ही साथ आरजू काजमी वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से मेरे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर इरशाद अहमद खान, ये तो बड़ी कायराना हरकत है, रात में आप गए और मंदिर तोड़ दिया, क्यों नफरत करते हैं इतनी हिंदुओं से और हिंदू मंदिरों से? मुझे बताइए, हिंदुओं से नफरत के कारण आपने पाकिस्तान ले लिया और कहा सब महफूज रहेंगे, भाई अब तो हिंदू मुसलमान यहां पर भी साथ रहेंगे। 23% से 2% पॉपुलेशन कर दी और 428 में से 408 मंदिरों को तोड़ दिया, यह है आपकी फितरत? इतनी सख्त बातें करते हैं, जल्दी करते हैं। बात यह है कि हमें जो यहाँ पाकिस्तान में हिंदू और सिख और जो भी लोग हमारे साथ रह रहे हैं उनसे पूछिए कि कितनी मोहब्बत और कितने प्यार से हम लोग इकट्ठे रहते हैं। वो तो बता दिया 2020 की अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अमेरिका की रिपोर्ट ने, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट ने बता दिया कितने अच्छे ढंग से रह रहे हैं वो। रिपोर्ट को छोड़िए, पहले बात ये कर रहा हूँ मैं, जो बात मैं कर रहा हूँ वो सुनिए आप, कि जब केटीके की तरफ की आप बात करें, जब सड़क में ये जाति करने की कोशिश की तो उसका आपको रिजल्ट भी पता होगा कि 100-150 के लगभग लोगों को जेल में बंद किया और आज तक उनकी जमानत नहीं हुई और बहुत सारे लोगों को भी डॉक्टरों से मॉर्टल कर दिया गया। आप निकल जाए उसके बाद लकीर पीटने का कोई मतलब नहीं रहता है डॉक्टर खान। डॉक्टर खान साफ निकल जाए उसके बाद लकीर पीटने का कोई मतलब नहीं रहता है, आप सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। अगर आप में इच्छा शक्ति होती तो 428 मंदिर न तोड़े जाते, हिंदुओं की पॉपुलेशन 23% से 2% से कम न रह जाती। शांति और अमन से रहते हैं, जवाब दे दीजिए ना मुझे, हिंदुओं की पॉपुलेशन 23% से 2% पे ना रह जाती, जवाब दीजिए ना, क्यों हो गई हिंदुओं की पॉपुलेशन 23% से 2% पे कम? जब हम शुरू करते हैं तो आप फोन कर देते हैं, मैं बात ये कर रहा हूँ कि आप ये देखिए कि यहाँ अकलियतें बड़ी मोहब्बत और अकीदत से हम उनके साथ पेश आते हैं और बड़े शांति और अमन के साथ रहे हैं। आप जबरन निकाह करवा देते हैं मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है वहाँ, कितने जुल्म करते हैं कि एक हालात अपने मुल्क के देखिए, आप अपने मुल्क में सिर्फ सिखों के साथ देख लीजिए कि क्या कर रहे हैं आप लोग। अपने घर की बात करिए ना, ये आपके प्रधानमंत्री गिड़गिड़ा रहे हैं, लेटर लिख के बातचीत कर लीजिए। दूसरी तरफ आप मंदिर तोड़ेंगे, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करेंगे, बताइए। बात यह है कि आप एक मंदिर पे और कितने लोग जेल में पड़े अभी तक, तो बात यह है कि जब आप लोगों ने मंदिर गिराया वहाँ पर इंडिया में तो क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भी आपका साथ दिया और सबने साथ दिया, सर वो मस्जिद नहीं थी, वो एक विवादित ढांचा था जिसको बाबर नाम के आक्रांता ने बनाया था, जो आपका चचा भी नहीं लगता था। जो आप करें वो सही है, जो हम करें वो गलत है, बात यह, लेकिन फिर भी सुनाई दी जाती है यहाँ, वहाँ तो अदालतें भी आपके साथ मिल जाती है और मुसलमानों के साथ जुल्म और बर्बरी है जो भी आप करना चाहते हैं। 408 मंदिर आपने गिरा दिए, किस अदालत ने किसी को सजा दी बता दीजिए डॉक्टर खान, 408 मंदिर आपने गिरा दिए 1947 से लेकर आज तक, किस अदालत ने आपको सजा दी, किसी एक आदमी का नाम बता दीजिए जो सजा याफ्ता हो। कब आप लोग अदालत में गए, कौन से हिंदू कौन से सिख अदालत में गए जिन्होंने इन लोगों के खिलाफ मुकदमा किया क्योंकि हमारा मंदिर या मस्जिद गिरा दिया, तो कोई गया हो तो फिर अदालत को फैसला दे, हमारे तो मुसलमान हिंदुस्तान। अजब बात करते हैं, अजब बात करते हैं डॉक्टर खान साहब, आप भी 200-300 साल पहले हिंदू से ही मुसलमान में कन्वर्ट हुए होंगे ना,
और फिर आप डॉक्टर खान ये जवाब दीजिए, आप भी अविभाजित भारत का हिस्सा थे, आपके घर वाले भी 300 से 400 साल पहले मुस्लिम में कन्वर्ट हुए होंगे ना, उससे पहले तो आप भी हिंदू होंगे। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान थे, हमारे अबाव अजदाद मुसलमान थे, सारा मुसलमान। अरे कभी तो कन्वर्ट हुए होंगे ना हिंदू से मुसलमान में। कलमा दो है। आप देखिए दीपक जी, जो लोग हम एक दूसरे को इस तरह का अटैक ना करें, जो बात है उससे रहे, टॉपिक पे रहिए आप। टॉपिक ये है कि जब मदद, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में मदद जला दिए गए, तो मुझे ये बताइए कि कितने मुकदमे हिंदुओं और सिखों ने किए और जिसपे अदालत ने। अच्छा ठीक है, मैं सवाल ले लेता हूँ। जनरल पक्षी ये कह रहे हैं कि हिंदू मंदिर गिराए गए 408, जिन मंदिरों पर पूजा चल रही थी ऐसे मंदिरों को तोड़ दिया गया 1947 से लेकर आज तक। किसी को मिठाई की दुकान में बदल दिया गया, एक जगह को पब्लिक टॉयलेट में बदल दिया गया। ये कह रहे हैं कि आपने मुकदमे ही नहीं किए, हम सजा किसको दें? क्योंकि वहां पर हिंदुओं ने मुकदमे ही नहीं किए उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने मंदिर तोड़ा, तो हम सजा किसको देंगे जी, बताइए। जनपक्षी जवाब दे रहे हैं तो मुकदमे करते ना। बात यह है कि ये कौम दुनिया भर को पाठ पढ़ा रही है ह्यूमन राइट्स का, क्या वायलेशंस हो रही है, माइनॉरिटीज के बुरे हाल। जरा अपने गरेबान में झांकिए, 23% हिंदू आबादी होती थी, आज 1.6% के नीचे है साहब, 1.6% के नीचे है। ये आंकड़े अपने आप में सब कह देते हैं। एक बाबरी मस्जिद का आपने ऐसा तूफान खड़ा किया जबकि वो विवादित ढांचा था, वो मस्जिद भी नहीं थी, ठीक है साहब, विवादित ढांचा था। आपने 428 में से 408 मंदिर गिरा दिए हैं। आए दिन जो बचे खुचे हिंदू रह गए हैं, जिनको आप धमकी दे रहे हैं कि साहब वो कोर्ट क्यों नहीं गए, उनकी बेटियां उठा उठा। हम धमकी नहीं दे रहे, हम ये कह रहे हैं कि वो कोर्ट जाते तो इंशाल्लाह इंसान मिलता अगर गिरा होता, चाहे सिखों की। अरे साहब मुझे भी कह लेने दीजिए ना, बड़ी तहजीब से आप कहिए, आप कहिए हमारे जी, प्लीज जी, थैंक यू। डिबेट में नहीं, हम भी बड़ी इज्जत करते हैं आपकी बख्शी साहब, आप हमारे सीनियर हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बहुत इज्जत करते हैं आपकी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कह रहा था, देखिए साहब, शुक्रिया, मैं कह रहा था कि एक तो हमको पाठ पढ़ाया जाता है ना, आप प्लीज फिर पाठ ना पढ़ाएं औरों को। यू नो हिपोक्रेसी इज द वर्स्ट सिन, सबसे दकियानूसी जो एक जुर्म है वो है हिपोक्रेसी का। हम बड़ी बड़ी बातें करें, खुद तो करें उसका बिल्कुल उलट, और दुनिया भर को पाठ पढ़ाएं। ये जो चीज है ये बहुत चुभती है कि साहब अपने गरेबान में भी झांक लीजिए, आपने क्या किया है अपनी माइनॉरिटीज के साथ। अच्छा साहब, माइनॉरिटीज को छोड़ दीजिए, आपने क्या किया है अपने मुसलमान भाइयों के साथ, शियाओं का क्या हाल हुआ है, बलूचियों का क्या हाल हुआ है, सिंधियों का क्या हाल हुआ है, जो आपके गिलगिट बाल्टिस्तान में शिया रहते हैं उनका क्या हाल हुआ है, अहमदियों का क्या हाल हुआ है, और तो और छोड़िए पठानों का क्या हाल कर दिया आपने, अफगानिस्तान उनका मुल्क तो तबाह कर दिया, आपस में लड़ा लड़ा मरा मरा के तबाह कर दिया साहब। तो साहब आप प्लीज समझें कि अब क्यों दुनिया आपको इंटरनेशनल माइग्रेन, एक हेडेक समझना शुरू हो गई है। जो आपके आसपास वो आपसे दुखी, जो आपके देश में वो दुखी, ना चैन से जिएंगे ना चैन से जीने देंगे, ये फलसफा आपका है। और इससे ईरान आपसे दुखी, अफगानिस्तान दुखी, अब भारतवर्ष तो था ही दुखी, अब आपके साथ जो है बांग्लादेश वाले जो पहले पाकिस्तान का हिस्सा होते थे वो आपकी तरफ ताक के मुंह नहीं देखना चाहते। जब से वो आपसे आजाद हुए हैं देखिए उनकी इकॉनमी कैसे ऊपर चढ़ रही है, देखिए वो कहां ह्यूमन इंडिसीज में जा रहे हैं, जीडीपी में जा रहे हैं। जब तक आपके साथ थे आपने लूट खसोट मचा रखी थी आपकी फौज ने। तो साहब आपको गरेबान में झांकने का वक्त आ गया है, टू पुट इट वेरी शॉर्ट एंड नहीं झांकेंगे जनरल बख्शी।
अभी आदत से मजबूर है, नहीं झांकेंगे दीपक जी, कोई बात होगी तो जरूर झांकेंगे आपके गिरे। आप सुनिए ना, जावेद गफ्फारी जी के पास जाता हूँ, जावेद गफ्फारी जी के पास जाता हूँ, डॉक्टर खान मैं आपके पास आऊंगा, मैंने आपको लंबा मौका दिया। जावेद गफ्फारी जी इस हालत में क्यों आ गया पाकिस्तान, ना जिएंगे ना जीने देंगे, इस हालत में क्यों आ गया है पाकिस्तान? और ठीक है, आप अगर भारतवर्ष को अपना दुश्मन समझे तो अहमदियों को क्यों मार रहे हैं? ये आरजू काजमी बैठी हुई है, शिया है, इनको क्यों मारा जा रहा है? बलूचियों को क्यों मारा जा रहा है पाकिस्तान के अंदर? मंदिर तो तोड़ ही रहे हैं आप, अपने नागरिकों को जान से मार रहे हैं। अमेरिकी रिपोर्ट ने क्या कहा है दो दिन पहले आपके लिए? दीपक जी आपने एक बाहर नेटवर्क बनाया डिसइन्फो का, जिसके अंदर आप सारा साल गलत इन्फॉर्मेशन देते थे, उसको हमने नहीं पकड़ा, यूरोपियन यूनियन ने पकड़ा, उसने आपको नंगा कर दिया कि आप एक अरे मंदिर टूटा कि नहीं टूटा रावलपिंडी में परसों रात, ये बताइए जावेद गफ्फारी साहब, ये बताइए मंदिर टूटा कि नहीं टूटा रावलपिंडी में परसों रात? दीपक जी अभी जी डी बख्शी ने पूरे पाकिस्तान की बात की, उसको आपने 7 मिनट सुना, मुझे आप 7 सेकंड में टोक रहे हैं। ये तो आपके अंदर वो है, फर्क देखें आप इस चीज का कि मुझे 7 सेकंड में आप टोक रहे हैं, उनको आपने 7 मिनट नहीं बोल, वो बोलते रहे हैं, उन्होंने बलोचिस्तान गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का एक एक बच्चा बोल दिया उन्होंने, उनको आपने नहीं टोका। मैं 7 सेकंड में आप मुझे टोकने लग गए, मुझे भी बोलने दीजिए यार, मुझे मैं आपका गेस्ट हूँ, अब आप मुझे टोकेंगे नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर तमाम मजाहिब पूरे अमन से रह रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर कराची से लेकर खैबर तक तमाम जो बिरादरियां हैं वो मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से। आप जैसे झूठे कुछ नहीं बिगाड़ सकते पाकिस्तान का, ना ही पाकिस्तानियों को मिसगाइड कर सकते हैं। खास तौर से जीडी बख्शी साहब ने जो हवाले दिए सारे के सारे गलत हवाले दिए, कोई एक उसके अंदर सच्चाई नहीं है। अरे हम क्या बिगाड़ेंगे, जब आप खुद अपनी कब्र खोदने पे आमादा है तो हम क्या बिगाड़ लेंगे? जब आप खुद ही अपनी कब्र खोद रहे हैं जावेद गफ्फारी साहब, तो हम क्या बिगाड़ लेंगे आपका? दीपक जी आप नफरत की बात, आप खुद ही अपनी कब्र खोद रहे हैं। सुन लीजिए दीपक जी, अब आप सुन लीजिए, आरजू काजमी हो, मैं इसकी दिल से मोहब्बत करता हूँ, मैं प्यार करता हूँ इनका। अभी पूछूं शियाओं के साथ क्या होता है, हम लोग अभी पूछूं से शियाओं के साथ क्या होता है पाकिस्तान में, वो भी शिया है। आप लोग नफरत फैलाने की बात करते हैं, पाकिस्तान में कोई नफरत नहीं है, नफरत है तो वो आपके दिलों में है, आपके अंदर नफरत है जो आप बाहर निकालते हैं अपने झूठ के जरिए। पाकिस्तान में सब अमन से रह रहे हैं, हम हिंदुओं की होली मना रहे थे, पर बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, जो देश अपनी कब्र खोद। जावेद गफ्फारी साहब आपने अपनी बात खत्म की, आपको भी मैंने 4 मिनट दिए हैं, सीधे मैं आरएसएस सिंह साहब से चलता हूँ। आरएसएस सिंह साहब बताइए कितने अमन चैन से पाकिस्तान में रह रहे लोग, जरा जावेद गफ्फारी साहब को बता दीजिए, इनको अपने देश के बारे में पता नहीं है? मुसलमानों के आजाद कश्मीर को मकबूजा कश्मीर बनाया हुआ है आपने, क्योंकि वहां पर मुसलमान आजाद। जावेद भाई, जावेद साहब 1.5 घंटे का डिस्कशन है, बहुत मौका मिलेगा आपको, कश्मीर पर भी आएंगे हम, सिंह साहब जवाब देंगे। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इनको अपने पूर्वजों से नफरत थी इसलिए पाकिस्तान बनाया। और देखिए आप मंदिरों को तो तोड़ रहे हैं, ये जीरो 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 जो आपको आपने इनहेरिट किया अपने पूर्वजों से। एक आपके यहाँ बख्शाली एक मर्दान में एक जगह है, वहाँ पे एक स्क्रॉल निकला है और वो प्री इस्लामिक पीरियड का है, आप जानते होंगे, आप ही लोगों ने क्लेम किया है, वो लंदन म्यूजियम में है अभी। उसमें वो पूरे दीपक जी, उसमें जीरो का इन्वेंशन, ब्रह्मगुप्त के बारे में डिस्क्रिप्शन है, उसमें क्वेश्चंस है मैथमेटिक्स के ऑन मेंसुरेशन, एलजेब्रा और कई ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पे, और जवाब भी उसके श्लोक में है। और ये है, ये अच्छी तरह से जानते हैं, कई इनके आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं क्लेमिंग दैट, तो वो जीरो को भी डिस्ट्रॉय कर दो। तो बात देखिए सर, आप पूर्वजों से इतनी नफरत आपको कहाँ, अगर पूर्वज से नफरत करोगे तो आपका भविष्य क्या होगा, आप समझ सकते हो? बाबर की बात आप इतनी चिंता, बाबर ने बाबर नामा पे लिखा है कि मैं जब उसके पास उज्बेकिस्तान से एक वो वाटरमेलन तरबूज उसके पास पेश किया, वो रो पड़ा। ये पढ़ लीजिएगा बाबर नामा, और वो कहता क्या है कि ये जगह, ये हिंदुस्तानी, ये इतने बदसूरत लोग, इनमें ना कोई कला है ना कोई ये है, मैं तो यहाँ मैं मर रहा हूँ हर दिन, लेकिन क्या करें, यहाँ पर माल बहुत ज्यादा है, यानी कि मालिक जो आपके होली आपको बचपन से सिखाया जाता है, जो कि आपके होली स्क्रिप्चर्स में भी है, माले गनीमत की लूट की बांट कैसे होगी। अब जो आदमी
जो व्यवस्था, जो ये माले गनीमत में विश्वास करता हो, वो जो राम की कहानी पे जो बच्चे पड़े हुए हैं उससे क्या मुकाबला होगा? तो जब बाबर ने जब तोड़ा इसको, तो आपके पूर्वज ये भाषण शुरू हुआ, ये भाषण कभी खत्म नहीं होगा ना, किसी को समझ आया था छाती ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन इनको बोलने दिया जाए। बाबर, हम माले गनीमत वाले को हिंदुस्तान नहीं देंगे, साहब जाए कुछ भी हो जाए। ये माले गनीमत का फिलॉसफी पार्टीशन के बाद हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो आप सो गए, आप जो मर्जी, आप जहां जाना है वहां चले जाएं। और लेकिन जब आप मंदिर डिस्ट्रॉय करते हैं ना, तो ये कंप्यूटर भी यूज करना बंद कर दो, क्योंकि ये भी आपके हिंदुओं की देन है। बिना जीरो के कंप्यूटर की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो देखो साहब, कोई पैगंबर पैदा हो सकता है, कह सकता है, कह सकता हूँ, इतना झूठ बोलते हो, इतना झूठ बोलते हो, पता नहीं झूठ आपकी मोहब्बत नहीं है, सप्त ऋषि में नहीं बताया जा सकता झूठ बोलेगा। आपके पूर्वजों की बात हो रही है, कार्बन आपके पूर्वजों की बात हो रही है, ज्ञान बढ़ाइए। कोई विजडम नहीं, तो आप हमारे सारे चोर उचक्के थे, आप बताए ना, कुछ सारे चोर उचक्के थे, आपके बाप दादा चोर उचक्के थे, सारे माले गनीमत वाले लोग, क्या ये कहना चाहते हो? हम तो ऐसा कुछ भी नहीं, क्या बात कर रहे हो आप? बाबर का बार बार, अरे नादिर शाह ने आपके उसको लूटा, किसी में दम है तो अहमद शाह अब्दाली ने आके ये मुगलों को लूटा, आप बाबर के नाम पर भी मिसाइल बनाते हो और अब्दाली के भी नाम पर मिसाइल बनाते हो। अरे यार, इतिहास तो पढ़ो, कोई नहीं रोकेगा, पूर्व कोई नहीं रोकेगा। जीडी बख्शी बोलना शुरू होएगा, वो बोलता रहेगा, जब आप यहूदियों से सुलेमान सोलोमन को आपने सुलेमान बना दिया, इसकी बातें खत्म हो गई, आपने जोसेफ को यूसुफ बना दिया। कल की बात करोगे तो आपको भी नहीं रोकूंगा। तर्क की बात करिए, आर्गुमेंट की बात करिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको अपने इतिहास से इतनी नफरत क्यों है? आपको अपने पूर्वजों से इतनी नफरत क्यों है? इसका जवाब नहीं दे रहे रुकिए, मुझे गफ्फार साहब से बात करने दीजिए। आपको अपने पूर्वजों से इतनी नफरत क्यों है, ये बताइए, आप जवाब दीजिए इसका। ये बटन आपने ऑन किया, उसके बाद बंद करना भूल गए, उसका आप जवाब दीजिए। आपको अपने पूर्वजों से इतनी नफरत क्यों है जिन्होंने जीरो दिया, और आपके हिंदू पूर्वजों ने जीरो दिया, और आपके पूर्वज भी किसी जमाने में हिंदू ही थे। इज्जत करनी है, आपके अंदर तमीज नहीं है, आप लोग बद मजहब हो, आप लोग मजहब की इज्जत नहीं करते हो। हम अरे सर, इनके अभी निकले, आप देख लीजिए ना, बक्साली स्क्रॉल, उसमें साफ लिखा हुआ है, ये क्लेम भी कर रहे हैं, ये क्लेम भी कर रहे हैं उसको, जो बंदा साथ बैठा है, ये हमारी धरती के नीचे निकला है, इसलिए ये हमारा है, और पूर्वजों को गाली दिए जा रहे हो, मंदिरों को तोड़े जा रहे हो, अपने बाप दादा को शर्म नहीं आती? जो 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 अपने पूर्वजों का नहीं हुआ, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, वो मोहम्मद साहब नहीं दे रहे हैं कि पूर्वजों से नफरत क्यों? एक मिनट सिंह साहब, मैं आपको रोक रहा हूँ, अमितोष पारिक मेरे दर्शक जयपुर से जुड़ गए, गफ्फारी साहब जवाब क्यों नहीं दे रहे कि उन्हें अपने पूर्वजों से नफरत क्यों है? अमितोष जी बताइए। गफ्फारी साहब इसलिए जवाब नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि इनटॉलरेंसी से बाहर पहले वो आएंगे, शांति से सुनेंगे, तब जाके उनको जवाब देने की हिदायत होगी। मैं आपके सामने दीपक जी एक बात रखना चाहता हूँ कि 26 फरवरी 2020 को इन्हीं के ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर हम इनटॉलरेंस को कम करेंगे जो रिलीजियस से डील करती है, और आज नया पाकिस्तान के ऐलान किया था। नया पाकिस्तान में आप देखेंगे कि 31 मृत्यु हुई है, 58 इंजरी हुई है, और 50-22 रुपए के केसेस हुए हैं। वहां लगातार हिंदू माइनॉरिटी के साथ रिलीजियस इनटॉलरेंस होती आई है, और जैसे ही हमारे वहां से जुड़े हुए गेस्ट इनटॉलरेंट है, ये शो करता दर्शाता है कि वहां इनटॉलरेंसी रोकने में नाकाम रहे, बाकी सरकारों का भी इनमें हाथ रहे, FIRों में कोई लीगल कार्यवाही नहीं होती है, और इसी वजह से सुनने की क्षमता न होने की वजह से जो हो रहा है उसको अनदेखा कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, सुनना नहीं चाहते हैं, इनटॉलरेंस खत्म होनी चाहिए पाकिस्तान में, ये खुद इमरान खान कह रहे हैं, लेकिन गफ्फारी साहब टॉलरेंट होकर किसी की बात सुनना नहीं चाह रहे हैं, तर्क पर जवाब भी देना नहीं चाह रहे हैं। अब आरजू काजमी को लेकर आता हूँ, आरजू काजमी आप एक शिया है, कितनी खुश है पाकिस्तान में, क्या शियाओं से भेदभाव नहीं होता है? क्या वहां पर अहमदियों से भेदभाव नहीं होता है? क्या वहां पर बलूचियों से भेदभाव नहीं होता है? बताइए, सुनिए गफ्फारी साहब और सुनिए खान साहब। सुन रहा हूँ आरजू काजमी। देखिए दीपक जी, हम यहाँ मंदिर की बात करने के लिए बैठे हैं,
और मंदिर बिल्कुल गलत हो रहा है पाकिस्तान में, जिस तरह से मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, जिस तरह के उस पर अटैक हो रहे हैं, तो उसके ऊपर हाँ FIR रजिस्टर होती है, लेकिन उसके आगे कोई कार्रवाई नहीं होती, ना तो उन लोगों को पकड़ा जाता है, ना उन्हें सजा दी जाती है, एक कागजी कार्रवाई होती है जो थोड़े दिन बाद उसको भी लोग भूल जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और बिल्कुल जो हिंदू हैं उनकी बच्चियों को भी उठा उठा के ले जाया जा रहा है, चाहे सिंध हो, चाहे KPK हो, चाहे पंजाब हो। मुझे हैरत है अपने पाकिस्तानी साथियों पे जो यहाँ बैठकर इस चीज से इनकार कर रहे हैं। कम से कम गफ्फारी साहब को ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो चीज गलत हो रही है हम उसे जब तक मानेंगे नहीं, हम उसको ठीक कैसे करेंगे। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, जिन्हें मैं पर्सनली जानती हूँ, दीपक जी मैं आपको उनका नंबर दे सकती हूँ, उनकी बहन को, उनकी बेटी को। खामोश हो जाइए, आदमी क्या बात है। तो बिल्कुल बिल्कुल इनटॉलरेंस है, बिल्कुल किसी मजहब के लिए भी हमारे अंदर टॉलरेंस नहीं रह गई है। अब जब हम थक जाते हैं कि हम हिंदुओं से या क्रिश्चियन या पारसियों को तंग कर करके, तो हम आपस में शुरू हो जाते हैं कि ये शिया है, वो सुन्नी है, ये वो है, ये वो है, ऐसे करके ये चीज जो है पाकिस्तान में बढ़ती ही चली जा रही है। और पिछले 10-15 साल में हद से ज्यादा आगे जा चुकी है हमारे मुल्क में। आप मुझे बताइए कौन से हंगामे हो रहे हैं, शियाओं के साथ अत्याचार होता है, वो खुद कहती है कि जब हम हिंदू पारसी और क्रिश्चियन पर अत्याचार करते करते थक जाते हैं तो शियाओं पर अत्याचार करने लगते हैं, वो खुद कह रही है, वो खुद शिया है। बताइए डॉक्टर खान इसका क्या जवाब है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आरजू कादमी एक वरिष्ठ पाकिस्तानी पत्रकार है, वो कह रही है। शांति से रह रहे आप, आरजू मुझे कोई एक नोटिस बता दीजिए कि जहाँ जुल्म हुआ है किसी के साथ, किसी हिंदू बेटी के साथ, अगर वो कुछ छोटा मोटा आपस की लड़ाइयों में अगर वो डॉक्टर खान की बात पर ये किस दुनिया में रहते हैं कि इनको ये नहीं पता कि साल में 1000 हिंदुओं की बच्चियों को उठा के ले जाते हैं, जबरदस्ती मजहब चेंज करवाते हैं, शादियां करते हैं, रेप हो रहे हैं, इनको मालूम नहीं है? मुझे नहीं पता ये कौन सी दुनिया में रहते हैं। आई डोंट वांट टू डिस्कस एनीथिंग विद हिम। उन्हीं की कम्युनिटी के लोग थे वो। अच्छा, उन्हीं की कमी 1.6% रह गए। चक्रपाणि महाराज जी हिंदू महासभा से हमारे साथ है। चक्रपाणि महाराज जी आपको क्यों लगा यूएन को लेटर लिखना चाहिए? और क्या ये डॉक्टर खान हमारे मानेंगे, गफ्फारी साहब हमारे मानेंगे कि ये भी 300 साल पहले हिंदू ही थे? नहीं, गलत बात को हम कभी नहीं मानेंगे इंशाल्लाह अपने मुल्क के खिलाफ। दीपक जी देखिए दीपक जी एक डॉक्टर खान जी शांत रहिए। देखिए, अरे शांत रहो भाई, सुन लो बात, दूसरे की भी बात सुनो। ठीक है, हमारे चक्रपाणि महाराज जी बोल रहे हैं, गए वो इस बात को लेकर। 300 साल पहले आप बंदर थे, अब जिस तरह की बातें करते हैं फिर कैसे मुकाबला? अरे सुनो भाई, शांत रहो, 700 साल पहले आप देखो दीपक जी, सबसे बड़ी बात सबसे बड़ी बात है, सुन लीजिए ना। देखिए, हकीकत बोल रहा हूँ तो आपको मिर्ची लग रही है। चक्रपाणि महाराज ये बताइए, 300 साल पहले ये भी हिंदू थे कि नहीं, कन्वर्ट हुए कि नहीं हुए इस्लाम में? बताइए चक्रपाणि महाराज जी, बताइए आप इस हकीकत को खोलिए। कौन थे जो भारत और पाकिस्तान में रह रहे थे, हिंदू थे या मुसलमान थे? देखो वही मैं बता रहा हूँ, पहले इनको शांत, दीपक जी इनको शांत कराइए। आप देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, आज पूरे गफार जी, अरे शांत रहो यार, क्यों बीच में बोल रहे हो, बोलने क्यों नहीं दे रहे हो? आप जब नंबर आएगा तो आप बोलना। देखो सवाल इस बात का है, आपको मेरे पाकिस्तान के ऊपर। अरे जवाब कहाँ दे रहे हो आप? जवाब आपके पास है, कहाँ बकवास कर रहे हो आप? जवाब नहीं दे रहे हो, बकवास कर रहे हो, बकवास कर रहे हो बैठ करके टीवी पे। शर्म आनी चाहिए, वहाँ पे हिंदू लड़कियों को सर सर्राफ बलात्कार होता है, और तुम्हारी न्यायपालिका इतनी भ्रष्ट और बेईमान है। तुम्हारा नाम पाकिस्तान है लेकिन तुम शैतान हो, तुम सब शैतान हो। तुम्हारी न्यायपालिका खत्म है, तुम्हारी व्यवस्था खत्म है, तुम्हारी
तुम्हारी कार्यपालिका खत्म है, तुम्हारा नाम सिर्फ पाकिस्तान है लेकिन काम चक्रवाणी महाराज और गफ्फारी आपके सामने सैतानों वाला करते हो, हिंदू लड़कियों बेटियों को हिंदू लड़कियों को अपहरण करते हो, नाम पाकिस्तान है, काम सैतानों का करते हो, शर्म आनी चाहिए, तेरी जज्बात तेरी चेहरे है चुन्न भर पानी को करते हो खुदकुशी के लिए, जैसे सैतानों को कंकर पे फरमा जाता है, आज पूरा विश्व तुम्हें इंसानियत को तरस रहे हो आप लोग, पूरे पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ बना हुआ है, शर्म आनी चाहिए, गफ्फार तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, शर्म आनी चाहिए, न्याय हो रहा है, आरजू जी ने ठीक बोला, बेईमान तुम लोग हो, तुम लोग बलात्कारी हो, तुम लोग प्रचार करते हो, नाम पाकिस्तान है लेकिन काम सैतानों वाला करते हो, शर्म आनी चाहिए, और ऊपर से टीवी पे बैठ के बेईमानी वाली बातें करते हो, कहां तक स्वीकार करना चाहिए, तुम सब बेईमानी काम करते हो, बलात्कार करते हो, धर्मांतरण करते हो, मंदिरों को तोड़ने का काम करते हो, पूरे जितने अवैध काम है तुम करते हो, आज पूरे विश्व का नासूर बना हुआ है शैतानी देश, ये पाकिस्तान नहीं बल्कि शैतानी देश है, और ये शैतानी देश पूरे विश्व में आतंकवाद फैलाने का काम किया है, जब बात बोल रहे थे पड़ोसी को परेशान, पूरे विश्व में पाकिस्तान ने पूरे विश्व में पाकिस्तान और सिर्फ और सिर्फ चक्रपाणी जी, चक्रपाणी जी मैं इनसे कह रहा हूँ कि 200 साल पहले भारत और पाकिस्तान के जितने लोग थे उनमें से कुछ इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, गफ्फारी साहब के खानदान के लोग भी कभी हिंदू रहे होंगे, अगर ये असली पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी है, क्या मैं गलत कह रहा हूँ, चक्रपाणी महाराज जी बताइए, नहीं दीपक ये जो बातें कर रहे हैं हमारे मुल्क के खिलाफ, बिल्कुल बिल्कुल आप सही बोल रहे दीपक जी, इन्हें इनको इनके डीएनए टेस्ट कराया जाए, निश्चित रूप से हिंदुओं से कन्वर्ट होकर के बने, लेकिन सबसे बड़ी बात है इनको इनके इनके मीर जात मीर बाकी इनके बाबर को ये मानते हैं, लेकिन सवाल इस बात को देश के आता है उसको ये मानते हैं, उनका अपने कौन से मानते हैं, लेकिन इस जन्म को समझ में नहीं आता कि देश के इसी देश के हिंदू तुम्हारे पूर्वज हुआ करते थे, इसी ये बताइए आपको अपनी फैमिली ट्री पता है, आपको अपना फैमिली ट्री पता है, आपको आपकी खानदान की पता है, मुझे बताइए कितने साल पहले आप इस्लाम में कन्वर्ट हुए, ये बता दीजिए डॉक्टर खान, और मुझे आप मुझे अपनी हिस्ट्री का पता है, पिछले जन्म में आप क्या थे, आप साथ थे ना, टेस्ट कराइए डॉक्टर खान, बताइए ना कितने साल पहले इस्लाम में कन्वर्ट हुए, आपके डीएनए टेस्ट होगा महाराज सब पता चल जाएगा, हम मुसलमान पैदा हुए मुसलमान है मुसलमान रहेंगे, अरे आप पैदा हुए आपके बाप दादा कौन थे, अरे तो आपके बाप दादा कौन थे, नस्ल से ताल्लुक है हमारा यूसुफ से पठान है, हम यूसुफ से पठान है, और पठान जो है ना पठान है, आप डीएनए अपने डाल के बात करना जानता है, आज अपने मुझे पता है कि मेरी नस्ल कौन है, मुझे पता है मैं अपनी हरकत कर रहे हो, नस्ल पे मुझे नाज है, मेरी अजीम अजीम नस्ल है यूसुफ जई, शर्म आपको आनी चाहिए, आप बदतमीजी करते हैं, आपको जुबान के हुए लोग हो, आपकी जुबान काबू में नहीं है, आप भटक चुके हो, भटके हुए लोग हो, आप नाम पाकिस्तान रखते हो, काम शैतानों वाला करते हो, आप अपनी शैतानी हरकत बंद करो, अपनी शैतानी हरकत बंद करो, नाम पाकिस्तान रखने से पाक नहीं हो जाओगे, लेकिन आपको तमीज़ वाला काम करते हो, पूरी तुम्हारी न्यायपालिका भ्रष्ट है, लड़की का बड़े भाई के सामने हाथ जोड़ के पूछ रहा हूं, न्यायपालिका तुम्हारे मेरे बड़े भाई, मैं वही कह रहा हूं कि आप तमीज़ से ये बता दीजिए कितने साल पहले आपका परिवार हिंदू से इस्लाम में कन्वर्ट हुआ, या मैं आरएसएस एग्जाम से हिस्ट्री सुनवाऊं, कब से इस्लाम में कन्वर्जन शुरू हुआ, और मुसलमान ही है कन्वर्ट नहीं हुए, हम मुसलमान ही पैदा हुए थे और मुसलमान ही है, हमारे अबाव अजदाद भी मुसलमान थे, आप आपके ठीक है चक्रपाणी जी एक मिनट रुके, आपके सिंह साहब के बाद चलता हूं, जनरल बख्शी के बाद चलूंगा, सिंह साहब इनका डॉक्टर खान तो मुसलमान पैदा हुए, क्या इनके बाप दादा भी मुसलमान पैदा हुए थे, बताइए सिंह साहब कब से कन्वर्जन हुआ इनका इस्लाम में हिंदू से, बता दीजिए भारत और पाकिस्तान के रहने वाले जितने भी डॉक्टर खान जैसे लोग हैं, सुन लीजिए डॉक्टर खान पैदा हुए, हमारे बाप अजदाद भी मुसलमान थे, हम यूसुफ से ही पठान है, और हमें नाज है अपने आप पर, औरंगजेब औरंगजेब के समय औरंगजेब के समय था, और उस समय ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ₹2 रेट था, ₹2 देके कन्वर्जन इनका, ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखा सकता हूँ,
उसके पहले भी कश्मीर में उसके पहले भी हुए हैं, लेकिन मैक्सिमम कन्वर्जन जो हुए हैं वो औरंगजेब के टाइम में हुए हैं। वो जो सल्तनत पीरियड में उतने कन्वर्जन नहीं हुए थे जितने औरंगजेब के टाइम में, और ये सब लोग उन्हीं के, वो इनके एक एडमिरल जावेद साहब आजकल दिखते नहीं है, पता नहीं है भगवान उनकी तबीयत ठीक रखे, वो एडमिरल जावेद साहब के तो जस्ट दो तीन जनरेशन पहले, वो ये मोहम्मद इकबाल जिसका वो ये लाहौर में बड़ा चौक वॉक बना रखा है, वो तो सपरू परिवार का था, वो तो एक दो जनरेशन पहले है। और ये मैडम जो कह रही थी, मैडम को मैं बता दूं और इनको मालूम भी होगा, बख्शी साहब जानते हैं इस बात को, इन्होंने किताब भी लिखी है। अरे हमने तो, हमारे लोगों ने तो, वो जो रिहाब दत्त की जो फैमिली थी, रिहाब दत्त की फैमिली, उन्होंने तो बैटल ऑफ करबला लड़ा है इनके लिए, शियाज के लिए। और आज भी आपको शायद मालूम नहीं होगा, अब तो पता नहीं क्या परंपरा है, पहले ये परंपरा थी कि किसी को घाव हो जाता था पाकिस्तान के, अभी जो टेरिटरी है जो पाकिस्तान का, उसमें लोग कहते थे किसी दत्त से इसको इस पे थुकवा लो ये तुम्हारा घाव ठीक हो जाएगा। हमारे, हमने करबला में भारत के पैसे से करबला में कनाल बना हुआ है जिसका नाम है अल हिंदिया कनाल, तो ये हमारा हमारा कोई ये इस तरह का जो जो ये तेरे जो आए ना ये साहब, जो आप कहते हैं कि हम ओरिजिनल इस्लाम है, ओरिजिनल इस्लाम में होते तो आप तो अरबिक बोल रहे होते साहब, ये तो यहाँ पर पर्शियन, आपको मालूम है अकबर के पहले हिंदुस्तान में हिंदी की बोली जाती थी, और फिर अकबर एक सुन्नी होते हुए भी उसने पर्शियन लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया साहब, और उससे फिर ये सो पॉइंट जिसको आप अपना लैंग्वेज होते हैं, एक बात बता दो, सुन लीजिए आपका इतिहास क्या है, सुन लीजिए आपके पूर्वज क्या थे, आपकी सब आपकी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है ना, अब बताइए कि उर्दू में 100% वर्ब्स, 100% वर्ब्स आपने हिंदी से लिए हैं, तो ये पाकिस्तान की भाषा कैसे हो गई? और इसीलिए बांग्लादेश उर्दू के नाम पर अलग हुआ, और पता नहीं अभी और आपके कितने टुकड़े होंगे, क्योंकि ना आपकी कोई भाषा है ना आपका कोई पूर्वज है, जिसका जिसका पास्ट ही बिल्कुल अंधकारमय है उसका भविष्य भी अंधकारमय होगा। और शायद आप हिंदू फिलॉसफी पे जाइए, ये साइक्लिक है, ये साइकिल है, आप कहते हैं ना कि हमेशा मुसलमान रहेंगे, नहीं रहेंगे, और मैं आपको आज बता रहा हूँ मैं जिंदा नहीं रहूंगा, लेकिन सबसे पहला देश जो इस्लाम को छोड़ेगा वो है ईरान, मुझे मालूम है वहां पे अंदर क्या हो रहा है, आप खुमैनी को वहां से जाने दीजिए और देखिए आप क्या होता है, सबसे पहला देश जो आपकी गलतफहमी है, कम बैक टू जोरास्ट्रियनिज्म, ठीक है, मैं नहीं जाता हूं जिसकी गलत सोच है, सीधे गफ्फारी साहब के पास चलता हूं, गफ्फारी साहब 1947 से पहले पाकिस्तान का क्या एग्जिस्टेंस था, पाकिस्तान का क्या इतिहास था, पाकिस्तान की क्या संस्कृति थी, पाकिस्तान के क्या मूल विचार थे, बता दीजिए 1947 से पहले, गफ्फारी साहब बताइए, पूरा 5 मिनट देता हूं आपको, बताइए 1947 से पहले पाकिस्तान का क्या अस्तित्व था, क्या विचार थे, क्या सोच थी, क्या लेखन था, क्या हिस्ट्री थी, बताइए दीपक, 1947 से पहले वहां पे जो मुसलमान थे उन्होंने वहां पर हुकूमत की, और उसके बाद आप लोगों ने जो हिंदू थे अंग्रेजों की ऐसी लापरवाही की कि अंग्रेजों ने आपको ऊपर हुकूमतें की, 100 साल आप जैसे टुकुओं की वजह से जो वहां पे अंग्रेजों की वो करते थे, सारा दिन लपटपुशी करते थे, जैसे ये जीडी बख्शी है, जैसे इस तरह के आपके दूसरे लोग बैठे हैं, आप लोगों की वजह से 100 साल अंग्रेज ने हमारे ऊपर कॉमेडी चैनल नहीं चला रहा हूँ, गफ्फारी साहब मैं कॉमेडी चैनल नहीं चला रहा हूँ, मैं बकरा किसको पे नहीं चला रहा हूँ, थोड़ा तो सच बोल लीजिए, अच्छा जनरल बख्शी बताएंगे, जनरल बख्शी गफ्फारी साहब नहीं बता पा रहे पाकिस्तान के इतिहास को, आप बता दीजिए कि 1947 के पहले इनका क्या अतीत था, क्या बात कर रहे हैं आप, थोड़ा इतिहास पढ़ लीजिए, 1947 से पहले जनरल बख्शी जवाब दे रहे हैं, सिंह साहब जनरल बख्शी जवाब दे रहे हैं, फिर मैं चक्रपाणी महाराज जी के पास भी जाऊंगा, दोष डालते हैं हमारे, तो आप मुझे 5 मिनट देने वाले थे, अब क्या हुआ 5 सेकंड में बिल्कुल आइए जनरल बख्शी, अच्छा जनाब जनरल बख्शी आएंगे,
क्योंकि झूठ तो सुनना है आपने, सच तो चल नहीं सकता। आप सच बोलना नहीं चाहते ना, आप इतिहास बता नहीं पा रहे हैं, आपकी जुबान लड़खड़ा रही है, तो मुझे जनरल बख्शी से जवाब दिलवाना ही पड़ेगा आपको। क्या इतिहास था जनरल बख्शी 1947 से पहले गफ्फारी साहब के देश का? अरे जनाब मेरी भी सुन लीजिए, झूठ बोलना शुरू करेंगे देखिए, मैं जो मेरे पाकिस्तानी इंटरलोक्यूटर्स हैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अलाफ और अशराफ, सुन लिया, अलाफ और अशराफ में फर्क क्या है? ठीक है साहब, अलाफ वो आप कहते हैं लो बॉर्न मुस्लिम जो लोकल से कन्वर्ट हुए थे, और अशराफ वो हाई बॉर्न है जो मिडिल ईस्ट से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए। हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है, जानते हैं साहब इस्लाम के बारे में, थोड़ी बहुत हमने भी स्टडी करी है, और मैं आपको उसका जवाब दे दीजिएगा, पहले सुन लीजिए ना साहब, आपकी आदत। अरे गफ्फारी साहब सुन भी लीजिए ना, थोड़ा सच बोला करिए, आप दूसरे की सुनते नहीं। देखिए मैं मैं तारीफ करना चाहूंगा उनकी हिम्मत की, दाद देना चाहूंगा कि आज एक बहुत कड़वा सच उन्होंने साफ सार्वजनिक उन्होंने बोला है कि हाँ ये गलत है, दैट इज हाफ द प्रॉब्लम इज ओवर। अगर ऐसे तो लोग पाकिस्तान में आए हमारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी आपके और हमारे बीच के मसाइल, कि कम से कम कोई कहे तो हाँ साहब ये चीज जो गलत है सो गलत है। लेकिन आप लोग हैं इन डिनायल, DENIAL डिनायल, हर चीज पे साफ नहीं बोलेंगे, नहीं ये हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं, सारी दुनिया को साफ दिख रहा है, मंदिर जल रहे हैं, टूट रहे, औरतों का असमत लूटी जा रही, आप कह रहे साहब हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं, तो फिर साहब डायलॉग नहीं हो सकती, कोई सिविलाइजेशन डायलॉग, कोई इंटरफेस डायलॉग नहीं हो सकती। अगर इफ यू इंसिस्ट ऑन टेलिंग लाइज़, आप झूठ पे अपनी बुनियाद पे कोई डायलॉग नहीं कर सकते। हैव करेज, लर्न फ्रॉम दैट लेडी, शी इज अ पाकिस्तानी सिटीजन एंड वी वुड गिव हर लॉट मोर रिस्पेक्ट। हम बहुत उनको इज्जत देंगे, आप दूसरों के मुल्क की बात मत कीजिए, उसके बीच मंदिर गिरा फर्क तो आप बिल्कुल जाहिर कर दिया। ये एटीट्यूड जहां आपके मुल्क में आएगा साहब, आपके और हमारे आधे मसाइल खत्म हो जाएगी। और मैं लास्ट में फिर पूछता हूँ काबिल दोस्त से, मैं फिर पूछूं अपने काबिल दोस्त से जो इतना चिल्ला रहे हैं, आप मुझे अलाफ और अशराफ के बीच फर्क समझा दीजिए प्लीज। मुझे बताइए खान साहब, डॉक्टर खान, अलाफ और अशराफ के बीच फर्क बता दीजिए। डॉक्टर खान जनरल बख्शी की बात का जवाब दीजिए, इतना सा बता दीजिए कि आप हमारे मुल्क की तरफ देखते हैं, अपने सिखों की हालत देखिए, 6 महीने से वो लोग सड़कों पे, औरतें बच्चे बूढ़े बैठे हुए हैं, जलील हो रहे हैं। साहब अपनी आप बात करिए ना पहले, जब आप गिरेबान की आज बात तो आपने मंदिर तोड़ा है, गिरेबान में झांकिए, उसी पे तो गुफ्तगू हो रही है, झांकिए फिर आपको फर्क अंदाजा पड़ जाएगा कि हमारे मुल्क में अकलियतों के साथ ये अलाफ और अशराफ हो रहा है। हमारी कम्युनिटी का कोई भी लोग सड़कों पे नहीं बैठे 6 महीने से। आप देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, आपने मकबूजा कश्मीर में 600 रोज हो गए लोगों को बंद किया हुआ है, वहाँ उनको रोटी पानी बंद की हुई है, उनका खाना बंद किया हुआ है। आप मुझे जवाब दीजिए, आप अपने गिरेबान में झांक के और फिर बात कीजिए दूसरे मुल्क की, फिर बात कीजिए अजीम पाकिस्तान की, अजीम मुल्क की। अल्हम्दुलिल्लाह हम हुक्मरानी के लिए पैदा हुए हैं और पूरी दुनिया पे हुक्मरानी करेगा मुसलमान, और पाकिस्तान पहले अपना पाकिस्तान तो संभाल लीजिए। डॉक्टर खान पहले ये कर पाएंगे दुनिया पर, ये दुनिया पर हुक्मरानी करना चाहते हैं डॉक्टर खान साहब, ये अपना पाकिस्तान बचा पाएंगे? बताइए, करने के लिए पैदा हुआ मुसलमान, पाकिस्तान बना इसलिए कि पूरी दुनिया पे हुक्मरानी करे, आपसे हिंदुस्तान बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आपसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पाकिस्तान बढ़ेगा। करतारपुर साहब के ग्रंथी की बेटी को ये उठा के ले गए थे, वो आज तक वो रिस्टोर नहीं हुई है साहब, वो रिस्टोर नहीं हुए अपने पेरेंट्स को, क्योंकि इनके यहाँ अगर एक बार कोई निकाह कर लेता है तो वो मुसलमान हो जाता है, उसको फिर रेस्क्यू नहीं किया जा सकता है। मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि अपने वहां जाके बोले कि उसको उस ग्रंथी की बेटी को बाइज्जत
बाइज्जत आप लौटा दीजिए। ये टेक्निक आपका नहीं चलेगा। ये क्या कानून बना रखा है? किसी को उठा लिया, निकाह हो गई, इसका मतलब कि निकाह का मतलब कि वो इस्लाम में कन्वर्ट कर गई, फिर आप उसको कर ही नहीं सकते हैं, आप उसको सैलवेज कर ही नहीं सकते, आप उसको रेस्क्यू नहीं कर सकते, आप उसको पेरेंट्स के पास छोड़ नहीं कर सकते। तो ये कौन सा कानून है? अच्छा, दूसरी बात, आप जो ये इतना हवाला दे रहे हैं, आपके यहाँ निकाह हलाल, जब निकाह है तो निकाह हलाल भी होता होगा। अब आप अशरफ और अजलाफ पर ये कर रहे हैं, ये निकाह हलाल के कितने पाकिस्तानी बच्चे घूम रहे हैं, इसका आपने कुछ स्टैटिस्टिक किया है साहब? अरे जब तलाक हो रहे हैं तो निकाह हलाला भी होता होगा, तो निकाह हलाला के कितने परसेंटेज पॉपुलेशन है पाकिस्तान में, इसका भी बता दीजिए आप। इसके बारे में कोई किसी ने ह्यूमन राइट्स नहीं बताया है। इंडिया को क्यों नहीं डिस्कस करते हो? क्यों वो डिस्कस करने छोटी सी बात है, इसका कुछ स्टैटिस्टिक्स बता दीजिए। अच्छा ये बताइए साहब, अहमदियों ने कौन सा बड़ा गलती कर दिया? लैट्रिन है, अहमदियों ने कहा लैट्रिन जैसी मयसर है, महापुरुष आते रहते हैं, ओ भाई प्रॉफिट आते रहते हैं, वैसे भी नापाक और वैसे भी नापाक। अब आप किसी को काटना शुरू कर दोगे? सबका पता है ये, आप किसी को काटना शुरू कर दो, आखिर पैदा हो गया, इसके बाद दुनिया में सारी विजडम विजडम खत्म। 632 AD पूरे दुनिया का विजडम खत्म हुआ। अरे साहब ये बताओ, आपके पूरे सुन्नी को मिला के ज्यादा दिमाग है या वो अबू सलाम के पास ज्यादा दिमाग है? तो मैं तो खुद बोलूंगा, जफरुल्लाह खान, मैं तो पाकिस्तान के जफरुल्लाह खान ने पाकिस्तान को बनवाया, और उसको भी आपने वो ये कर दिया। और ये भी कह रहा हूं कि अगर भुट्टो शिया नहीं होता, कभी नहीं लटका सकते थे। जिस दिन उसकी बेटी बनी, अगर वो शिया नहीं होती, इस तरह से उसका असैसिनेशन नहीं होता। क्या बात कर रहे हो आप? कितना झूठ बोलते हो, आपको क्यों नहीं लटका था कोई? अच्छा रुके रुके रुके, गफ्फारी साहब सुनिए ना, कोई तो तर्क दे दीजिए। गफ्फारी साहब कोई तो तर्क दे दीजिए ना, ये बता दीजिए 1947 से पहले आपका क्या इतिहास था, क्या संस्कृति थी, क्या कपड़े थे, क्या खान पान था, क्या पहनावा था, क्या आपका लिटरेचर था, मुझे बताइएगा। ये सवाल क्यों पूछूंगा आपसे ब्रेक के बाद? गोरखपुर से मेरे एक दर्शक जुड़ गए, अनूप क्यों नहीं बता रहे 1947 से पहले हमारे पाकिस्तानी दोस्त की उनका अस्तित्व क्या था? सिर्फ हेलो बताइए, अनूप क्यों नहीं बता पा रहे 1947 से पहले उनका अस्तित्व क्या था? इनका अस्तित्व यही था कि जब ये यहाँ से अलग हुए हैं हमारे भारतवर्ष से, तो ये कुछ नहीं थे। यहाँ से जाने के बाद ही जो कुछ भी इन्होंने बना पाया, यहाँ से चुरा के ले गया, यहाँ से सब छीन छान के ले गया, जो यहाँ से बंटवारा में इनको मिला उसको इन्होंने अपने अनुरूप तोड़ तार के अपने अनुरूप किया, सबका सब हिंदू मंदिरों को तोड़ा, हिंदू लड़कियों का अपहरण करके उन्हें मुस्लिम धर्म में रूपांतरण किया। मतलब जितना अत्याचार ये कर सकते थे हिंदू धर्म के प्रति, उससे अधिक हम नहीं समझते हैं कि कोई अन्य देश हिंदुओं के प्रति अत्याचार किया है जितना। ठीक है अनूप, यही मैं रुकता हूँ और फिर पूछूंगा एक बार जावेद गफ्फारी से, आरजू से भी पूछूंगा, बताइए 1947 से पहले आपका क्या अस्तित्व था, क्या लिटरेचर था, क्या खान पान था, क्या पहनावा था, क्या इतिहास था? ब्रेक के बाद। तो हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में आखिरकार मंदिर क्यों तोड़े जा रहे हैं। दो दिन पहले रावलपिंडी में 100 साल से ज्यादा पुराने एक मंदिर जिसकी मरम्मत का काम चल रहा था, उसे तोड़ दिया गया। शिकायत सिर्फ इतनी थी कि मंदिर के लोगों ने उस पर अतिक्रमण की शिकायत की थी और कट्टरपंथियों ने उस मंदिर को तोड़ दिया। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कई सारे खास मेहमान हैं। मेरे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी हैं, मेरे साथ आरएसएन सिंह साहब हैं, मेरे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज हैं, डॉक्टर इरशाद अहमद खान हैं, जावेद गफ्फारी हैं, ये दोनों पाकिस्तान से हैं, और आरजू काजमी हैं पाकिस्तानी पत्रकार। सबसे पहले चलूंगा संजय शुक्ला, लखनऊ से मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। संजय क्या कहेंगे, क्यों हो रहा है पाकिस्तान में सब? ये पाकिस्तान की नीयत हमेशा से खराब रहती है, और ये इस्लाम का कोई अस्तित्व तो नहीं है इस दुनिया में। मैं आपको बता दूं, हिंदुओं का एक अस्तित्व तो है, और हिंदुत्व एक सदियों पुराना है। इस्लाम आज एक अपने आप को स्थापित करने के लिए हमेशा से हिंदुओं के ऊपर आघात करता रहा है,
और हमेशा से आक्रमण करता रहा। इसी प्रकार से अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। इनकी मंशा कभी कामयाब नहीं होगी। ये कहीं पे एकांत में पाके हिंदुओं के ऊपर उनके धर्म पे हमला करके अपनी स्थापना करना चाहते हैं। ये इनका इसको करारा जवाब मिलेगा। ठीक है, संजय आपने एक शब्द का गलत इस्तेमाल किया। आपने कहा इस्लाम का अस्तित्व नहीं है। इस्लाम का अस्तित्व है, इस्लाम एक धर्म है और विश्व के अंदर माना जाता है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। बाकी आपकी बातें बिल्कुल ठीक है। सीधे चलता हूं जनरल बख्शी के पास। जनरल बख्शी, आप हाथ उठा रहे थे, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब बात की जाती है 1947 से पहले आपका क्या इतिहास था? खामोश क्यों जाते हैं हमारे पाकिस्तानी मित्र? अरे साहब, बात बड़ी सीधी है। पाकिस्तान हैज नॉट बीन एबल टू कम टू टर्म्स विद मॉडर्निटी एंड 21st सेंचुरी। यानी पाकिस्तान जो है आज का, अभी तक 21वीं सदी से इट हैज नॉट बीन एबल टू कम टू टर्म्स। अब साहब यहाँ पे आरजू काजमी जी हैं और खान साहब हैं, इनसे फिर भी बातचीत हो सकती है, लेकिन ये जो तीसरे साहब हैं बख्तियार साहब, इनसे बातचीत नहीं हो सकती, क्योंकि ये टोटल डिनाइल में है, झूठ कि हाँ साहब हुआ ही नहीं है ही नहीं, तो फिर कोई बातचीत क्या करेगा? जब आप सच मानने को तैयार नहीं तो आपसे बातचीत क्या होगी? ये मेरा सीधा सवाल है। देखिए, इस्लाम की प्रॉब्लम आज पाकिस्तान में ये है कि अगर वो इस्लाम के जो तीन पिलर्स हैं, इजमा, इज्तिहाद और हदित, अगर ये इजमा और इज्तिहाद की तरफ ज्यादा जाते और अभी भी ज्यादा जाएं, रेस्टोर करें वो बैलेंस, तो पाकिस्तान विल बी अ न्यू नेशन। उसके लिए मॉडर्निटी 21वीं सदी से डील करना ज्यादा आसान हो जाएगा। बड़े ध्यान से सुने ख्वाजा साहब, मैं आपको कुछ कह रहा हूं कि इजमा और इज्तिहाद पे जाइए, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिपेंडेंट रीजनिंग पर जाइए, कंसेंसस ऑफ द कम्युनिटी पर जाइए, और आप बिल्कुल एक अलग मुल्क बन जाएंगे। यू विल बी अ डिफरेंट मुल्क। तभी इस्लाम की कभी इज्जत होती थी, क्योंकि बड़े डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स थे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आपसे एक सवाल पूछा है, सवाल दोहरा रहा हूँ, जवाब दीजिएगा, चिल्लाइएगा मत। अरे साहब, आपने मुझे तक ये नहीं बताया कि अलाफ और अशराफ का फर्क क्या है। आप चिल्ला रहे, आपने आंसर किया अलाफ और अशराफ का फर्क क्या है? अच्छा बताइए जावेद साहब, इस्लाम के बारे में जावेद तफारी साहब बताइए, जो जनरल बख्शी पूछ रहे हैं, क्या क्या पाकिस्तान 21वीं सदी में अब तक नहीं पहुंचा है? क्या अभी भी वो 19वीं और 20वीं शताब्दी में जी रहा है? क्या उसी तरह का इस्लाम अपनाना चाहता है? सातवीं शताब्दी, माफ कीजिएगा, क्या अभी भी 14वीं शताब्दी और 7वीं शताब्दी में जी रहा है पाकिस्तान? 21वीं सदी तक नहीं आना चाहता? 21वीं सदी भी क्रॉस कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आई हमारे मुल्क में। खान साहब, जावेद साहब के सवाल है, वो आजाद जिंदगी गुजार रहे हैं, आप जैसे झूठे दकियानूस गलत बात करने वाले पाकिस्तान में नहीं है। अरे सर, तो हमसे क्यों वैक्सीन की भीख मांग रहे हैं? हमसे क्यों वैक्सीन की भीख मांग रहे हैं? जावेद साहब, वैक्सीन की भीख क्यों मांग रहे हैं? आप भी वैक्सीन बना लेते, हमसे वैक्सीन की भीख क्यों मांग रहे हैं? आपके तपड़ी आपके साथ हम तिजारत इसलिए करना चाह रहे हैं कि हम आपकी गुर्बत दूर करना चाह रहे हैं। अच्छा, हमें पता है कि हिंदुस्तान के लोग भूखे मर रहे हैं। चक्रपाणी जी, चक्रपाणी जी बताइए, बताइए 135 करोड़ का ये मुल्क है और ये हमारी गुर्बत दूर करेंगे? और हमारे कहाँ गुर्बत है? इनकी गुर्बत को देखिए जरा, इनकी गरीबी को देखिए, 200 रुपए किलो आटा मिल रहा है इनके यहाँ पर। चक्रपाणी महाराज जी, कितने लोग भूखे होंगे, कितने लोग अभी अभी लोग परेशान होंगे। देखो डॉक्टर खान जी, आप थोड़ा 2 मिनट शांत हो जाइए। डॉक्टर खान साहब सुन लीजिए, आप लीजिए एक मिनट। गफ्फारी साहब, आप सिर्फ चिल्ला रहे हैं, रीजनिंग से कोई बात नहीं कर रहे हैं।
सीधे डॉक्टर खान साहब चक्रपाणी जी की बात कर लीजिए। चक्रपाणी जी डॉक्टर खान साहब बारे में बात करेंगे तो हम इसी तरह चलाएंगे भी चीखेंगे भी बात भी करेंगे। डॉक्टर खान साहब जो बात कर रहे हैं एक तो भारत की और भारत के खास तौर से सिखों की, मैं ध्यान डॉक्टर साहब का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि एबटाबाद जिसको पूरा विश्व जानता है, जहाँ पे ओसामा बिन लादेन को छुपा के रखा गया था, वहां के गुरुद्वारे पे कब्जा करके वहां पे साड़ी की दुकान इन्होंने खोल दिया है। अब देखो सिखों की बात करते हैं, आप देखो पंजाब साहब गुरुद्वारे के ग्रंथी का अपहरण करके अपहरण कर लिया और एक दो नहीं 55 लड़कियों का अपहरण किया। ये अपहरण करता है गफ्फार जैसे लोग, आतंकी सोच के लोग जो हिंदुओं से घृणा करते हैं, इन्होंने हिंदुओं के देश कर दिया है ऐसे आतंकी सोच वाले जो न्यायपालिका भी हिंदू लड़कियों का अपहरण करके और अपहरणकर्ताओं को सौंपने का काम करती है, कभी भी आशा नहीं की जा सकती। ये अपनी गलती को स्वीकार करते हैं और भारत पे आरोप लगाते हैं, अपनी तो अपनी गिरेबा में झाड़ते हैं, गिला रखना अपने सामने गिला रखना खान साहब, सिर्फ आरोप लगा देने ठीक है। आरती के पास चलता हूँ, आज जो बताइए भारत के साथ इमरान खान को, इमरान खान क्यों चाहते हैं कि भारत के साथ व्यापार फिर शुरू हो जाए, क्योंकि आपके पास अब दवाइयां नहीं बची है, आपके पास अब चीनी नहीं बची है, आपके पास अब आटा नहीं बचा है। देखें दीपक जी, वो तो आज उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, वो जो बात हो रही थी वो तो इमरान खान ने उसको रिजेक्ट कर दिया है कि पाकिस्तान भारत के साथ किसी किस्म की ट्रेड करे, वो चीज तो आज ही न्यूज आई है कि वो चीज तो मना हो गई है, आगे नहीं बढ़े। ये लेटर क्यों लिख रहे हैं कि बातचीत करिए बातचीत करिए, ये लेटर देखिए ये लिखा इमरान खान का सिग्नेचर है इस पर, डियर एक्सीलेंसी प्लीज देखें, वो एक अलग चीज है। मुझे अब मुझे बात करने दें एक सेकंड। देखें आप लोग जो बात कर रहे थे मंदिर की और माइनॉरिटीज की, बिल्कुल उसके ऊपर ही रहें और बिल्कुल पाकिस्तान भारत के साथ अच्छे टर्म्स चाहता है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले अपनी माइनॉरिटीज का ख्याल करना पड़ेगा। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनके जो हिंदू हैं और उनकी बहनों बेटियों को उठा के ले जाया गया है और जबरदस्ती उनका मजहब बदलवाया है। मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिन्होंने अपना फर्स्ट नेम जो है मुस्लिम रखा हुआ है जबकि वो हिंदू हैं। मैं आपको उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकती हूँ और उनको इसलिए उन्होंने पहला नाम अपना मुसलमान वाला रखा है ताकि पाकिस्तान में वो जी सके, पाकिस्तान में उनको तंग ना किया जाए, उनके हमें। मैं गलत बात नहीं कर रही हूँ डॉक्टर साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, लेट मी स्पीक, अपनी बारी पे बोला करें। और जब तक आप यहाँ पर इस चीज को ठीक नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ये चीज हर जगह पे मौजूद है और बात हो रही है। दीपक साहब मैं इनके बीच में नहीं बोली थी, मैंने इनके बीच में बात नहीं की थी, इनको कहें चुप रहे। नहीं आप मुल्क के खिलाफ बात करेंगे तो मैं बोलूंगा। मैं अपने मुल्क के खिलाफ बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने मुल्क की गलती बता रही हूँ, मुल्क को आगे जाना चाहिए। मुसलमान नाम रखते हैं, मुल्क के खिलाफ बात नहीं कर रही हूँ, मैं वो बात कर रही हूँ जो मुल्क को ठीक करने की जदी जरूरत है। सालों हो गए हमें यही डिबेट करते हुए माइनॉरिटीज के ऊपर और इसी तरह के झूठ बोल बोल के आप लोगों ने उस चीज को नहीं किया। ठीक है आरजू, देखिए 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 मुकदमे तक दर्ज नहीं हो सकते। अच्छी शुरुआत घर से ही होती है डॉक्टर खान साहब और जावेद गफ्फारी साहब, थोड़ा आरजू जी की बात सुन लीजिए, आपका देश सुधर जाएगा, आप सुधर जाएंगे, इतिहास में आपका नाम रहेगा, वरना मिट जाएंगे ऐसे रहेंगे तो मिट जाएंगे अगर इसी तरह चलते रहे तो। गफ्फार साहब और खान साहब याद रखिएगा मेरी इस बात को, जल्दी फिर से मिलेंगे, याद रखिएगा अगर सुधरेंगे नहीं तो मिट जाएंगे। इसी बात पर मैं ब्रेक लेता हूं, लेकिन न्यूज नेशन मैं पहले बता दूं हमारे पोल के रिजल्ट क्या कहते हैं। पाक में मंदिर तोड़ने पर इंटरनेशनल एजेंसी का एक्शन होना चाहिए, 99% लोग बोलते हैं हाँ। फिलहाल एक ब्रेक।